जैन साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर और गाइस एनिमल ट्रांसपोर्ट के आपके सभी कमेंट्स के जवाब दूंगा मैं। दोस्तों कई मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर इसमें मतलब कई मुझे कमेंट्स मिलते हैं, कईयों की प्रॉब्लम रहती है कट ऑफ को लेकर, या फिर आपके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो मैं उनके जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो दोस्तों जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं मैं उनको आज मैं इस वीडियो में आपके जवाब दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना, आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो आपको आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर और एनिमल ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई आपका डाउट बचे तो मैं आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैं आपके 10 मिनट ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर एनिमल ट्रांसपोर्ट डाउट्स, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आपके गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं भी यार एक इंसान हूँ, ठीक है भाई, मैं भगवान नहीं हूँ। कई मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि मैं उनका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ पूछते हैं सर हमारे 35 मार्क्स हैं, एससी से हूँ मैं, मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोस्तों मुझे बताइए आप, यार आप मुझे ये बताइए गाइस, 35 पे ही बंदे पास हैं आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर में और 35 अगले के मार्क्स हैं, तो बताइए वो बंदा पास कैसे होगा। तो प्लीज यार ऐसे कमेंट्स मत किया करो जिनके जवाब देने में मुझे भी शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है। जेन्युइन कमेंट्स किया करो और जिन मेरे फ्रेंड्स के जेन्युइन कमेंट्स हैं, जिन मेरे भाई बंधुओं के, उनके मैं आज रिप्लाई देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट कमेंट देख लेते हैं। कार्तिक त्यागी जो हमारे भाई, अच्छे वाले भाई हैं हमारा, ये क्या एक कमेंट आया है हमें। तो फ्रेंड देखते हैं, भाई इसका मतलब कोरोना सही चिल्ड का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आईटीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी जल्द आने वाला है मंथ में अप्रैल में, भाई रिप्लाई देना। मेरे भाई से कार्तिक का ये था क्वेश्चन कि अभी रिजल्ट जारी हुआ है अभी हाल ही में आयुष का, मेट्रो का, मेट्रो में डीएमएआरसी की पोस्ट थी उनका रिजल्ट अभी हाल ही में आज ही डिक्लेयर हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है रिजल्ट वाली तो देख लेना, किसी मेरे भाई ने फॉर्म भरा हो मेट्रो दिल्ली मेट्रो का, तो उनका अभी रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो इस मेरे भाई का इसी मतलब वीडियो पे कमेंट था कि सर इसने मतलब दोबारा से इसके चलते अब रिजल्ट आ गया है दिल्ली मेट्रो का, आईटीबीपी का भी आ सकता है। हाँ जी दोस्तों आ सकता है, जरूर आ सकता है, लेकिन पक्का कंफर्म नहीं कह सकते कि इस महीने आएगा फिर अगले महीने आएगा, लेकिन आप मान के चलो मई के लास्ट तक या जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। आपका फ्रेंड्स दूसरा कमेंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये था कमेंट मदन नरवारिया का, भाई का। और दोस्तों ये देखिए ये सेंटर सर्टिफिकेट क्या होता है, कई फ्रेंड्स का डाउट रहता है कि सेंटर सर्टिफिकेट क्या हो। मैंने आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी चैनल पे कि सेंटर सर्टिफिकेट के बारे में, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, वहाँ पे सेंटर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बोला था कि फ्रेंड्स को ये नहीं पता कि सेंटर सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए गाइस एक अच्छा यूट्यूबर वही होता है जो आपके हरेक सवाल का जवाब दे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सेंटर सर्टिफिकेट दोबारा दिखा देता हूँ, आपको ध्यान से समझा देता हूँ ये कैसे क्या कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ये सेंटर सर्टिफिकेट होता है, ओके, इसको फ्रेंड्स आप आराम से देख लीजिएगा। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए फोर ऑफ एससी कास्ट, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एंड एसटी। दोस्तों ये एससी और एसटी का बनता है ओनली, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम रोल नंबर आप सब कुछ चेक कर लीजिएगा, अपना पूरा भरना आपको फॉर्म पहले, और फिर गांव के जो आपकी नंबरदार सरपंच होता है उसकी मोहर लगेगी, उसकी मोहर लगने के बाद आप जब शहर में जाओगे तहसीलदार के पास वो आपके फोटो पे मोहर मार देगा और साइन कर देगा, तो आपका एक फॉर्म है जो कंप्लीट हो जाए एक ही दिन में। क्या सुना आपने, या जो आपका फॉर्म है सेंटर सर्टिफिकेट एक ही दिन में आपका पूरा बन जाएगा। इसके लिए आपको ये नहीं कि 4-5 दिन में बनता है, ये एक ही दिन में आपका बन सकता है गाइस, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही दिन में आपको ये सभी काम करवाने पड़ेंगे, नंबरदार के साइन, आपके सरपंच के साइन और आपकी जो ये मोहर लगती है तहसीलदार की, ये सब आपको एक ही दिन में मरवानी पड़ेगी इसके फॉर्म के ऊपर, तो आपका ये फॉर्म एक ही दिन में बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेते हैं हम आपकी। भाई दिल्ली फायर ऑपरेटर में कट ऑफ पर वीडियो बनाओ प्लीज। तो ये हमारा कमेंट सतवीर भाई का आया था। तो दोस्तों देखिए भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए या फिर जो भी इसका वेट कर रहे हैं इसकी कट ऑफ के बारे में, तो मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ दिल्ली फायर ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको जल्द बहुत ही जल्द वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। मेरे पास हैवी लाइसेंस है केवल। तो दोस्तों देखिए अगर आपके पास लाइट या हैवी उनमें से कोई भी एक हो या फिर दोनों हो, आपके पास काम चल जाएगा आपका, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कई मेरे फ्रेंड्स के पास हैवी है, कईयों के पास लाइट है। अगर आपने फॉर्म लाइट के बेस पे भरा तो आप लाइट लाइसेंस लेके जाइए, अगर आपने हैवी के बेस पे भरा तो हैवी लेके जाइएगा। लेकिन ज्यादातर मान लीजिए आपके पास हैवी लाइसेंस होना बहुत अनिवार्य है,
उसकी बहुत मान्यता है आपको। ध्यान दीजिएगा, हैवी लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हैवी नहीं है तो आप लाइट भी लेके जा सकते हो वहां पे, ठीक है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं हम एक बार। कास्ट सर्टिफिकेट होता दोनों चाहिए क्या, और कितना पुराना है चाहिए, एससी से हो? ये हमारा कमेंट मुकेश भाई का है, मुकेश भाम्बी जो भी नाम है इनका। देखिए भाई, आपका जो ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कहीं आप 10 साल पुराना दिखाओ, 2010 का बना हुआ यार, वो नहीं चलेगा। आपके पास मान के चलो आप मैक्सिमम में आप 4 या 5 साल पुराना सर्टिफिकेट आपका वहां पे आराम से चल जाएगा। जो सेंटर सर्टिफिकेट होता है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंटर का, वो 4-5 साल पुराना हो आपका आराम से चल जाएगा। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन 10 साल या 15 साल पुराना नहीं चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ओके फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट था, मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट को देख लेते हैं। ये भाई का, कार्तिक का भाई का दोबारा से कमेंट एक और है। ठीक है भाई, एनिमल ट्रांसपोर्ट जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बता दो। फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी एनिमल ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में जो जो मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो का वेट कर रहे हैं, आप प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉमेंट देख लेते हैं। सर मेडिकल में क्या होता है? सर मेरे बॉडी पर टैटू जलाया है सर, चल जाएगा? देखिए गाइस, ये एक अहम सवाल बनता है कि हमारे जब जो बॉडी होती है उस पर कोई पॉइंट ना हो मेडिकल से रिलेटेड। तो यार, तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी आपका टैटू या फिर कोई भी अपने नाम लिखवा रखा है, फिर टैटू आपको कोहनी से नीचे हो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सुना आपने? कोहनी से नीचे हो तो चल जाएगा, लेकिन कोहनी से ऊपर हो तो वो नहीं चलेगा। आपने जला रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका निशान नहीं होना चाहिए वहां पे, ब्लैक ब्लैक नहीं होना चाहिए आपको, वरना मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। कोहनी से नीचे आपने चाहे नाम वाम कुछ भी लिखवा रखा हो, आप सब पास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोहनी से ऊपर आपका कुछ भी टैटू नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, अगला कमेंट देख लेते हैं। जीतू भाई का ये कमेंट है हमारा, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट रिजल्ट पर एक वीडियो बना दो सर जी, प्लीज आपकी वीडियो का इंतजार करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये नहीं कि मुझे व्यू से मतलब है भाई, ठीक है, मैं व्यू ने कभी नहीं देखता अपने वीडियोस पे भाई। मैं देखता हूँ कि आप कमेंट क्या करते हो, किस भाई का क्या प्रॉब्लम है। इस भाई ने मुझे कमेंट किया था, जीतू भाई ने, मैंने स्पेशली वीडियो बना दी आईटीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के रिजल्ट के ऊपर, स्पेशली बना दी मैंने, क्योंकि भाई मैं ये नहीं देखता कितने को मतलब क्या कहते हैं, कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, मेरा अगर एक भाई प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना देता हूँ, आप मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा। मैंने स्पेशली एक कॉमेंट के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी भाई आपके लिए। ठीक है, तो टेंशन ना ले भाई, जीतू भाई आप वीडियो देख सकते हो आराम से, आपके लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा दिया चैनल पे। ठीक है, हम नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। नरेश भाई का क्वेश्चन है ये, सर जी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटर्न और स्किल टेस्ट के आधार पे बनेगी या फिर रिटर्न पे बनेगी? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके रिटर्न के बेस पे बनेगी। क्या सुना आपने? जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ड्राइवर टेस्ट की, वो आपके रिटर्न टेस्ट के ऊपर बनेगी। स्किल टेस्ट आपको ओनली क्वालिफाई करना है। कई फ्रेंड्स का मुझे कमेंट भी आया था कि सर आप 2017 का नोटिफिकेशन देखिए, उसमें अलग दे रखा है और आप ये हमें गलत बता रहे हो। तो फ्रेंड्स देखिए, एक वीडियो वैसे नहीं बनती है, मैं आपके लिए, मैं भी इंसान हूँ यार, मैं आपके लिए वीडियो ये नहीं कि बस हाँ फॉर्म निकल के आपके लिए वीडियो बना दी बस, ऐसा नहीं भाई। मैं पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, तब आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ भाई। एक अच्छा यूट्यूबर वही होता है जो जो आपको हर एक बात की नॉलेज दे। ठीक है भाई, मेरे चैनल का नाम एक्सपर्ट नॉलेज इसलिए भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे भाई का ऐसा डाउट ना रहे जिसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट हो। तो मैं आपके लिए हर एक डाउट आपको क्लियर करने के लिए आज इस वीडियो में आया हूँ। ठीक, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, चेक कीजिएगा आप खुद। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मेरिट लिस्ट आफ्टर कंप्लेंट ऑफ प्रैक्टिस स्किल टेस्ट मेरिट लिस्ट इज इच कैटेगरी नेमली जनरल एससी एसटी ओबीसी एनसीएल एंड एक्सपर्ट्समैन विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑन टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई एज पर द कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑन द दिस मेरिट। Extended list shall also be prepared to cover the shortfall due to failure of candidate in DME and pre-medical RME. However, there shall be no reserve list. मैं गाइज देखिए, ये मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, कहीं भी इसने स्किल टेस्ट के बारे में बात नहीं की है। यहाँ पे आप आपका देखिए, यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर बात की है। मतलब दोस्तों ये हुआ, जो आपकी आपकी बार फाइनल लिस्ट बनेगी ना, वो आपके मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपके रिटर्न टेस्ट के ऊपर बनेगी। रिटर्न टेस्ट के हिसाब से बनेगी, जिसमें अपने अच्छे मार्क्स ले रखे हैं, कम मार्क्स ले रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी आपके रिटर्न टेस्ट के ऊपर बनेगी दोस्तों। ठीक है, आपका डाउट था, काफी महत्वपूर्ण डाउट था ये, जो मैंने आपका अभी क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है मुझे कॉमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपका जवाब दोबारा से फिर दूंगा। ओके, नेक्स्ट कॉमेंट देख लेते हैं। सर कट ऑफ पर उसमें DME 1 DME 2 है, स्किल टेस्ट के बाद क्या होता है? अमित भाई कमेंट है ये, सर कट ऑफ पर उसमें DME DME 2 क्या होता है?
तो दोस्तों देखिए, जब आपका स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड अभी आएंगे, ठीक है, आगे जो ड्राइवर का जो भी रिजल्ट आया था आपका, तब उनके लिए अलग से एडमिट कार्ड आएंगे अब आगे स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के बाद आपका सीधा गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या सुना आपने? स्किल टेस्ट के बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, ठीक है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका क्या क्या चेक होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वीडियो देख लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं होगे, ठीक है, आराम से वीडियो देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये आपका डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। दादा मेरा एससी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल का है, मुझे सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना होगा क्या? भाई देखिए आप क्या लिखा भाई ने, दादा भाई देखिए मैं स्टूडेंट आपकी तरह हूँ भाई मैं भी, ठीक है, तो प्लीज मुझे दादा ना कहें। और भाई भाई कमेंट था एससी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल से हूँ। देखिए भाई आप इंडिया में कहीं से भी हो, बात ये नहीं है कि आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, नहीं वो मेंशन नहीं करता, बात ये है कि आप इंडिया से हो और आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप एससी कास्ट से हो ना, एससी एसटी से हो, तो भाई आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो ना भाई। अगर आप इंडिया में कहीं से भी किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अगर एससी कास्ट से हो एसटी से हो, तो आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए भाई, ठीक है। ये आपका भाई कमेंट था, मैंने जवाब दे दिया, जो मेरे जेन्युइन कमेंट लगे भाई मैंने वो सभी कमेंट्स उठाए यहाँ पे, आपका सभी का मैंने जवाब दिया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपका चैनल है, इसको आप प्यार दो या फिर नफरत दो, आपके ऊपर भरोसे है भाई, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन ना ले किसी बात। और फ्रेंड्स आपको ये मेरा डाउट सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा कॉमेंट करके, और फ्रेंड्स मुझे आगे के लिए बताइए, अगर मैं ऐसे डाउट सेशन रखूँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लाइक बहुत कम करते हो, तो दोस्तों प्लीज लाइक किया करो यार, भाई को चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्यार दो यार, जितना हो सके प्यार दो भाई, देखिए मैं आप सबके प्यार का भूखा हूँ, मुझे भाई हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, थैंक यू सो मच, हमेशा हैप्पी रहिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन करें, फैमिली का ध्यान रखें, अपना भी खुद का ध्यान रखें, घर से बाहर ना जाइएगा, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी रहिए।